हर हर महादेव, जय शिव, जय भोले बाबा। पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक आपको वीडियो दिखाया था, कैसा लगा था आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो मेरा लेंथी होगा, उसके लिए कोई नहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पूरा आपको जो है दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे भी पूरा पथ में चलने मजा आ रहा है। देख सकते हैं काफी कवरिया आ रहे हैं और अभी हम पूरा आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, भाई को सपोर्ट करने के लिए स्क्रीन पे जो फोन पे नंबर है जरूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको लेटेस्ट वीडियो और इस पथ पे मैं चलता हूँ। थोड़ी सी खर्च जो हो जाती है तो इसी वजह से बोल बम बोल बम बोल बम। तो चलिए आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग शिवलोक से चलना स्टार्ट किए हैं, मतलब दसपेशिया से, और ये देख सकते हैं किस प्रकार से बम चल रहे हैं, मतलब लगातार जो है बम जो है चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको एक जो है शिविर मिल जाएगा, बोल बम सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट। मैं आपको एक बार दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर जो है यह है बोल बम सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट, निःशुल्क सेवा शिविर, सारा आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। आगे चलते हैं और हम आगे ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं। लगातार जो यहाँ पे आपको भजन कीर्तन सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, मतलब कि लगातार हर जगह ना आपको मिलना शुरू हो गया। यहाँ देखिए कंवरिया हमें जो है लगातार मिल रहे हैं, देख सकते हैं कंवरिया भाई सब बहुत यहाँ पे अपने को मिल रहे हैं। और आगे जो हम लोग शिवलोक मिलेगा, दसपेशिया से हम लोग चले हैं, थोड़ा सा आगे मोड़ पे शिवलोक मिलेगा, शायद आप लोगों को पता होगा शिवलोक के बारे में। तो चलिए मैं आपको दिखा दूंगा शिवलोक किस जगह है। और हर जगह जो दुकान जो है लगातार जो दुकान जो है चालू है, हर दुकान में बम सब रुक रहे हैं और हर चीज़ मिल रहा है उनको। आपको फर्स्ट एड वगैरह भी मिल जाएगा, किसी तरह पैर में दिक्कत हुआ तो उसकी जो सुविधा भी है बहुत जगह। तो यहाँ पर देख सकते हैं बम लोग जो है अपना रुके हुए हैं। आगे चलते हैं और हम आगे आपको दिखाते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे चलने में और बम सबको भी बहुत मज़ा आ रहा है चलने में। देखिए कितना यहाँ पे, देखिए बीच बीच में जो है इस प्रकार से ये सब बैठ जाते हैं, सूरदास हैं, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है। इन सब का भी संसार जो है आप ही लोग की वजह से चलते हैं, कुछ कुछ आप लोग देते जाइएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बम जो है दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि रखने कावर रखने के बाद आपको जो है ना क्षमा मांगना जरूरी होता है मैया से, क्योंकि वैसे जहाँ से वहाँ से चलें तो आपको रुकना नहीं चाहिए, लेकिन जो रखते हैं तो उसको थोड़ा सा वो करना है, क्योंकि देखिए बहुत कोई नहीं चल पाते हैं। 105 किलोमीटर संभव नहीं है कि एक बार में सबकी बस की बात है, बहुत कोई कम ही है जो कि चलते हैं, जो चल पाते हैं तो वो कम से कम जो है वो हो सकते हैं डाक बम आते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी तादाद में भीड़ बमों का है और बारिश इधर हुआ है, तो देख सकते हैं पानी हर जगह आपको देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं दुकान वगैरह तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, और अगर बारिश हुआ होगा तो शायद मुझे जो चलना में इसमें चलने में काफ़ी कठिनाई होगा, क्योंकि बाइक जो है ना थोड़ा सा स्लिप करेंगे। तो अभी जो हम लोग पहुँच चुके हैं, हम ये आपका शिवलोक, दसपेशिया के बाद जो शिवलोक है वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और लगातार जो है देख सकते हैं हर कंवरिया बम आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक आपका गाड़ी जो है, अगर जो चाहते हैं कि हमें अगर हम लोग टीम में आएंगे हमारा गाड़ी कहाँ लगेगा, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा शिवलोक है, यहाँ पे जो है आप ठहर सकते हैं। ये देखिए ये आपका शिवलोक है, यहाँ पर आप ठहर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर स्टे करने के लिए भी जगह है। निकलते हैं आगे और हम आपको दिखाते हैं, बहुत सारे यहाँ पर ठहरे हुए हैं और आप भी ठहर सकते हैं। इधर यहाँ पे दिखाएं तो इधर भी काफ़ी दुकान है, ये दुकान तो हमेशा पहले भी था, देख सकते हैं यहाँ पे बम सब ठहरे हुए हैं। और इधर सारे हर जगह जो रेस्टोरेंट वगैरह आपको खाने पीने का तो मिल ही जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ से हम लोग मेन रोड होता है, इसी रोड में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका गाड़ी चढ़ जाएगा तो यहाँ पर अपना खाना वगैरह खाने के लिए लगा सकते हैं अपना गाड़ी। और महाकाल मॉल यहाँ पर आपको, मैं तैयार हूँ, दुकान वगैरह यहाँ पे एक आपका अतिथिशाला, शिवलोक अतिथिशाला यहाँ पे देख सकते हैं, लक्ष्मीपुर पाका, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे बोल बम सेवा शिविर एक छोटा सा जो है यहाँ पे आपको शिविर देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ देखिए
हम यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे यहाँ नाश्ता खाना ठहरने का एवं शौचालय सारा सुविधा है और बोलबम सेवा शिविर है, तो यहाँ पे रुक सकते हैं। वैसे इनका निशुल्क नहीं है, निःशुल्क ही होगा, सेवा शिविर है तो ऑटोमेटिकली निःशुल्क ही होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और हम आपको ले चलते हैं। देखिए नहर, जो जिधर नहर है उधर क्या किया है, बांस लगा दिया, बैरिकेड कर दिया ताकि उधर जो है कोई भी बम जाए नहीं। अंधेरा कभी कभी रहता है, लाइटिंग का तो व्यवस्था इधर दिया नहीं है, हमें तो दिख नहीं रहा लाइटिंग का कहीं व्यवस्था, तो इसलिए इधर लाइटिंग का व्यवस्था नहीं है। वो जो सोलर पैनल से जो चल रहा है वही लाइटिंग है, और ऐसे एक्स्ट्रा कोई लाइटिंग नहीं दिया जो कि बिजली से चले, ठीक है। नहर में भी पानी आ गया। अब देखिए यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे बहुत सारा कवरिया बम देखने को मिला है लगातार जो है पथ पे, बहुत बेहतर लग रहा देखने में। नारा है बाबा एक सहारा है, यहाँ पे दुकान वगैरह भी है लगा हुआ, और थोड़ा थोड़ा इधर जो है लग रहा है कि बारिश हुआ है जिसके कारण नमी दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे बम जी सारा और आ रहे हैं, और दुकान अभी बहुत सारा बन भी रहा है और बहुत सारा बन चुका है और खुल भी गया। आप अपना स्टे कर सकते हैं, खाने पीने का सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये साइड में जो है इधर देखिएगा, इस दुकान में भी बहुत सारे बम ठहरे हुए हैं, मैं देख सकते हैं यहाँ पे जो है बहुत सारे बम जो है यहाँ पे ठहरे हुए हैं, और खाने पीने का भी आपको मिल जाएगा। गन्ना का रस ये सब, ये गन्ना का रस तो हमेशा मिलता है, क्या बताएं, गन्ना का रस जो है ना आपको इस पथ पे हमेशा मिलेगा कहीं ना कहीं, या तो मेन रोड में तो हमेशा मिलेगा। बिहार में ज़्यादातर जो है गन्ना की खेती भी होता है इधर, इस वजह से गन्ना जो है आपको हमेशा मिलेगा। वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भाई को सपोर्ट करने के लिए स्क्रीन पे जो फोन पे नंबर दिया है ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि मैं इस प्रकार से आपको लगातार अब वीडियो दिखाने वाला हूँ, बशर्ते कि आपका प्यार और सपोर्ट होना चाहिए, तभी मैं आपको इस तरह का वीडियो दिखा पाऊँगा। और मैं क्योंकि देखभर से हमें चल के आना पड़ता है इधर पूरा वीडियो कवर करने के लिए, और कवरिया पथ में चलना मतलब 10-15 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल पाते हैं, और जिसकी वजह से कि हमारा जो खर्च जो है ज़्यादा हो जाता है, तो देख सकते हैं। और इस प्रकार से मैं आपको लगातार जो है पार्ट वाइज मैं आपको दिखा रही हूँ कि लगातार जो है कैसे कवरिया पथ है, कितना कवरिया बम चल रहे हैं। मैं लगातार आपको बेहतर वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। देख सकते हैं अभी जो है हम शिवलोक से चलना स्टार्ट किए हैं, तो आगे देखते हैं कितना। देखिए इधर मैं आपको दिखाऊं तो अभी ये दुकान जो है बन ही रहा है, अभी बना नहीं है, अभी बन ही रहा है। और इधर आप देखें तो इधर देखिए कवरिया कितना भर भर के चल रहा है, और इधर भी अगर आप देखें ये भी दुकान अभी बन ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब देख रहे हैं कि कवरिया चल रहे हैं। तो इन सब का भी इच्छा हुआ कि हमें जल्दी जल्दी से दुकान बनाना है, और ये सब भी बहुत जल्द ही दुकान बना देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं। नहर में भी पानी आ गया है, बारिश हुई है इसके वजह से नहर में पानी आ गया है, तो और जो है मज़ा आ रहा है यहाँ पे देखने में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाते हैं जाते हैं। और स्टैंड वगैरह जो कवर स्टैंड जो लगा दिया है, मतलब उस जगह की आपका दुकान है। अगर आप लोग सोचते हैं दुकान खुला है कि नहीं, मैं आपको एक कोशिश करता हूँ दिखाने का कि यहाँ पे देख सकते हैं ये दुकान आपको खुला हुआ दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारा स्टे भी किए हैं बमचे, ठीक है। इस तरह का और भी आपको दुकान बहुत सारा जगह मिलेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर भी एक दुकान जो है मिल रहा है। अभी देखिए चाय नाश्ता से स्टार्ट हुआ है, खाना वगैरह भी मिल जाता है। अभी यहाँ पे अगर आप देखें इस जगह, देखिए यहाँ पे आपको खाना वगैरह बन चुका है, यहाँ पे आप खा सकते हैं। भोजनालय पूर्णिया वाले हैं, ठीक है। तो बहुत जगह आपको लगातार जो है खाने पीने का तो मिल ही जाएगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं, ये देख सकते हैं कितना बम है, बम जी बोल बम। बारिश इधर हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ है जिसके वजह से काफ़ी नमी है। ये देख सकते हैं पूरा पृथ्वी जो है, धरती जो है काफ़ी नम हो गई है, और लगातार जो है बम सब चल रहे हैं, देख सकते हैं। कोशिश है कि मैं आपको दिखाने कोशिश कर रहा हूँ पूरा जो है। उधर से अपोजिट से आने में काफ़ी दिक्कत हुआ कि बम जी जो है वो चलते रहेंगे, वो हमारे गाड़ी को नहीं दिख पाएंगे, तो इसी वजह से देख सकते हैं
नहर जो है पानी और ज्यादा तेज आएंगे तो और मजा आ जाएगा। चलिए और हम आपको दिखाते हैं आगे, वीडियो को लाइक करते जाइएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा कवरिया पर दिखाएं कि कैसा लगता है देखने में। पूरा सावन में आपको मन जो है पूरा मनोरंजित कर देगा, किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होने वाला इधर। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ फिर हमें कुछ कवरिया बम नहीं देखे। आगे देखिए कुछ देर के बाद हमें दिख जाएगा, क्योंकि बहुत सारा जो है मिलके नहीं जा रहे हैं, अपना अपना टीम अलग अलग है, तो इसी वजह से। चलिए देखते हैं, ये धोरी जो है हमारा यहाँ से 5 किलोमीटर है। अब जैसे हम धोरी आएंगे वहाँ पे आपको एक मतलब कि कुमारसार नदी भी हमें मिल जाएगा, और कुमारसार नदी का जो नज़ारा होगा कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, कि वहाँ पे कितना पानी है वो हम आपको दिखाएंगे। अब देखिए इस वीडियो में मिलता है कि आपको कुमारसार का उस वीडियो में मिलता है, वो आपको आगे पता चलेगा। चलिए देख सकते हैं बम जी कैसे चल रहे हैं, हर हर महादेव लगातार। दुकान वगैरह हर जगह खुल चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं जूस वगैरह आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बम जी सब जो है रुके हुए ठहरे हुए हैं, यहाँ पे आपको जूस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, खाने पीने का भी मिल जाएगा। किसी तरह का दिक्कत नहीं है आप पथ में, आप आराम से चल सकते हैं। आप अकेले भी आएंगे तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको सब आपके जैसा ही है, आपको लगेगा कि मेरा ही कोई अपना ही आदमी है। कोई भी बम आपको, सारा बम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इधर भी देख सकते हैं बहुत सारे बम ठहरे हुए हैं। आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा जो है, हमेशा तो आप कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा देर तक इस पथ में रहेंगे उतना ज़्यादा ही आपका खर्च होने वाला है, और उतना ही आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आप खाना खाइएगा तो स्नान भी करना पड़ेगा, तो खाना खाइएगा स्नान कीजिएगा तो स्नान का अलग चार्ज लेता है शायद, क्योंकि एक बम जी हमें बताएं कि स्नान खाना खाने का अलग चार्ज है, स्नान करने का अलग चार्ज है, सोच का अलग चार्ज है। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा देर तक रुकते हैं तो ज़्यादा आपका खर्च होगा, इसलिए कोशिश करें कि जल्दी जल्दी चाहें और ज़्यादा स्टॉपेज ना करें अगर आपको खर्च से बचना है। अगर खर्च करने के लिए आएँ तो रुकते जाएँ, कोई दिक्कत नहीं। दो पैसा जितने भी यहाँ दुकानदार आए हैं उनको कुछ होंगे, आप ही की उम्मीद से दुकान खोलते हैं। यहाँ पे देखिए फिर आपको एक होटल मिला, यहाँ पे आपको रहने और खाने का पीने का पूरा व्यवस्था मिल जाएगा, ठीक है। अभी चावल वगैरह बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप खा सकते हैं, तो व्यवस्था तो अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं आगे और कैसा पथ रहेगा, कैसा जगह रहेगा, वो आपको देखने को मिलेगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो अभी हम लोग बहुत दूर तक आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे बम जो है रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं और अपना नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आप बोलते हैं रहने के लिए नहीं मिलता है, तो ऐसा आपका गलत धारणा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे बम जो है यहाँ ठहरे हुए हैं और आपको यहाँ पे खाने पीने का पूरा मिल जाएगा व्यवस्था, ठीक है। तो आप रह सकते हैं, ज़्यादा तो चाय पानी यही सब ज़्यादातर करते हैं। खाने का मतलब देखिए, खाना खाइएगा तो आपको नहाना पड़ेगा, इसलिए जो आप फल वगैरह खाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप सिर्फ हाथ वगैरह धो के आप चल सकते हैं। खाना अगर खाएंगे तो आपको स्नान करना पड़ेगा और फिर आपको पूजा वगैरह भी करना पड़ जाएगा जल का, इसलिए कोशिश करें कि खाना जो है कम ही खाना पड़ता है। दो तीन जगह आप स्टॉपेज, जैसा कि हमेशा 20 किलोमीटर चलने के बाद स्टॉपेज हों, 10 किलोमीटर के बाद चलें, ऐसा तो संभव नहीं हो पाता है न्यू के लिए। अब देखिए बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, देखिए बीच बीच में जो है आपको खाने पीने का देखिए जगह मिल जाएगा। देख सकते हैं बहुत सारे बम जो है चल रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। हर हर महादेव, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा, और भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि लगातार जो मैं आपको ये दिखाऊं। दुकान हर जगह मिल रहा है, दुकान किसी तरह का दिक्कत नहीं है आपको, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बम से ज़्यादा पूछने से बेहतर है कि मैं आपको पूरा पथ पे मैं भी चल रहा हूँ, तो मुझे भी पता चल रहा है कि कहाँ पे कैसा स्थिति है।
इधर जो है पूरा अभी देखिए और भी बम पूरा चलने वाले हैं। अभी जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, आज जो उठाए हैं चल वो आपको बहुत सारा मिलने वाले हैं, तो वो निश्चित है कि बम आपको पूरे रास्ते में मिलने वाला है। और आप लोग भी आइएगा तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ तो होगा ही, अभी तो इतना ज़्यादा इसमें पूरा भर भर के चलता है कवरिया। कहीं पे भी आपको जो है ना हल्का सा भी, मुझे जो बाइक में चला रहा हो ना, मुझे नहीं लगता है कि उस समय जो अगर भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा उसमें हम इसमें बाइक चला पाएंगे। एकदम बहुत ही बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, एकदम बहुत क्या बताएं। और उसके लिए हमको जानते हैं पूरा वीडियो कवर करने के लिए हमको बाइक लेके नहीं पैदल आना पड़ेगा। अब चलिए इस होटल में कचौड़ी जलेबी सब सारा मिल रहा है। चलिए जो फलाली बम है उसके लिए, फलाली के लिए जलेबी वगैरह आपको मिल जाएगा पूरे रास्ता में। जगह जगह पे जो दुकान बना है वहाँ पे सोमवारी को ज़्यादातर आपको जो है ना सोमवार को फलाल लेके चल, मतलब कि शुक्र से चल बनना स्टार्ट हो जाएगा फलाली बम ज़्यादा जितना होता है। जलेबी वगैरह सब रेगुलर तो नहीं होता है, लेकिन सोमवार को जो चल चढ़ाते हैं, सोमवार को जो सोमवार के लिए चलते हैं तो उसके लिए जो है फलाली बहुत सारा होता है। ये सब देखिए डाक बम है, डाक बम है क्या आप लोग, डाक बम है, बोल माचा बोल बम थे, डाक बम नहीं थे, हमें लगा कि तोड़ते हुए जा रहे थे तो वो डाक बम है। चलिए देखते हैं, अभी तक डाक बम हमें नहीं मिले हैं। डाक बम जो है इस रास्ते में बहुत सवेरे ही निकल जाते हैं, मतलब सवेरे तक में जलेबिया वगैरह क्रॉस कर देते हैं पूरा एकदम, बहुत तेजी से चलना पड़ता है उनको डाक बम को। और दुकान वगैरह तो हर जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक दुकान है दूर से है, आपको मैं कोशिश करूँगा दिखाने का कि कहाँ का दुकान है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक दुकान मिल जाएगा, देख सकते हैं ये दुकान है। और यहाँ पे कुल्लड़ वगैरह, कुल्लड़ चाय यहाँ पे जो है आपको कुल्लड़ चाय भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कुल्लड़ चाय भैया गुड। तो अगर आप कुल्लड़ में चाहते हैं तो कुल्लड़ में आपको चाय मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं और भी कुछ बम जी यहाँ पे हमारे वाले, बोल बम देख सकते हैं यहाँ पे बम। बहुत सारे दुकान न्यू बन भी रहे हैं और बहुत सारे चालू तो हो गया है बम जी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप जो है आइए, जो जिनको आने का मन है आप जरूर आइए। अभी किसी हर सुविधाएं आपको मिलेगा यहाँ पे, देखिए एक शिविर फिर यहाँ पे हम लोगों को मिला है, जो ये शिविर जो है औरंगाबाद शिविर, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो है एक औरंगाबाद शिविर है, यहाँ पे जो है भजन कीर्तन तो 100% होता ही होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं ये हमारा औरंगाबाद नीलकंठ महादेव सेवा शिविर औरंगाबाद बिहार, ठीक है, यहाँ पे भजन कीर्तन भी होते हैं। और यहाँ पे भैया जी हेलो, यहाँ पे रहते हैं और सेवा में आए, यहाँ पे कोई अति आते हैं क्या सिंगर वगैरह, नहीं सिंगर वगैरह यहाँ पे कोई आता है क्या, कौन सा सिंगर आने वाले हैं, हाँ बंगाल से आएंगे। चलिए औरंगाबाद शिविर आपका है जो कि बस ये धोरी के थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तब आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ शिविर जो है लगातार आपको मिलेगा ही यहाँ पे, धोरी के आगे जैसे बढ़ेंगे तो औरंगाबाद एक शिविर हमें इधर मिला है। आगे चलते हैं और हम आगे दिखाते हैं, दुकान वगैरह तो आपको मिलेगा ही, हम अगर आपको दिखाएं यहाँ पे रहने और खाने पीने के लिए यहाँ पे दुकान वगैरह है और भी इस तरह का आपको दुकान आगे भी मिल जाएगा, फल वगैरह फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और किसी तरह का दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी कवरिया बम सब चल रहे हैं, बहुत सारे कवरिया बम, बहुत ही मज़ा आ रहा है हमको चलने में क्योंकि साथ मिल रहा है कवरियों का आप लोगों का, जिसके वजह से मुझे चलने में मज़ा आ रहा है। वैसे बहुत समय तक तो अकेला ही चला हूँ, जब इस पथ में खराब रूट रहता था तो मैं उसमें चलता था तो काफ़ी दिक्कत होता था, लेकिन अब जो है कवरिया भी है, पथ भी सही है और सारी सुविधाएं हैं। किसी तरह का दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बीच बीच में जो है खांसी आ जा रहा मुझे तो क्षमा कीजिएगा। और चलिए ओ बम जी, सॉरी बम जी, ओ
देखिए बच्चा सब जो है ना यहाँ पे बम जी सबसे कुछ कुछ पैसे मांगते हैं और दे दिया कीजिए। छोटा बच्चा है, कुछ कुछ जिनके पास है जो देने लायक है वो जरूर दें, क्योंकि बच्चा एक आस लेके आता है कि बम जी पार होंगे तो हमें 2 पैसे मिलेंगे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक दुकान, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे स्टे कर सकते हैं यहाँ पे भी। और अभी यहाँ पे एक आपको दुकान अभी बन रहा है, मैं आपको दिखाऊं तो नई दुकान जो है इधर अभी लग रहा है, देख सकते हैं फिर भी अभी चालू भी है, आपको यहाँ पे मिल भी जाएगा, लेकिन लगा भी रहे हैं और साथ में बेच भी रहे हैं तो अच्छा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक बजरंगबली है, और आगे देखते हैं कहीं शिविर आपका होगा तो जरूर हम आपको दिखाएंगे, पता करते चलेंगे कि कहाँ पे कैसा क्या क्या चीज है। मैं आपको साथ साथ में वीडियो के साथ साथ मैं बताते जा रहा हूँ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ये जो बाएं बाएं में आपको दिख रहा है दुकान, ये बन ही रहा है, और इधर थोड़ा बारिश हुआ है, बारिश इधर दिख रहा है जिसकी वजह से इधर तो लगातार दुकान दिख रहा है। यहाँ धोरी के बाद आपको दुकान लगातार दिखेगा, आप यहाँ स्टे कर सकते हैं, बहुत सारे कवरिया स्टे भी करते हैं, इतना समय तो रुकते नहीं है बमजी। रात को अगर जो बमजी चलते हैं रात को अगर सोते हैं तो उनके लिए बेहतर है, और खाने पीने का अभी तो आपको मिल ही जाएगा, देख सकते हैं। लगातार मैं आपको दिखाऊं तो इधर देख सकते हैं ये दुकान लगातार आपको दिख रहा है, हर जगह आपको दुकान देखने को मिलेगा, कहीं पे ऐसा जो नहीं है कि आपको नहीं देखने को मिलेगा, हर जगह दुकान मिलेगा। और ये पता नहीं ये 4 व्हीलर कैसे अलाउ कर दे रहे हैं बमजी को इधर, देखिए कुछ बमजी है जो इस रास्ते में 4 व्हीलर चल रहे हैं। 4 व्हीलर चलने का मतलब है कि इस रास्ता को खराब कर देना, हैवी वाहन चलने से रास्ता काफी जो है खराब हो जाता है, क्योंकि ये जो बम के लिए बनाया गया, मैं खुद चल रहा हूँ बाइक से तो मुझे भी लग रहा है कि मेरे वजह से भी ये पथ जो है थोड़ी सी दिक्कत होगी। मेरा हैवी उतना मेरा हैवी वाहन नहीं है तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 4 व्हीलर जो चल रहे हैं उसकी वजह से दिक्कत हो सकता है। लगातार जो है कवरिया जो चल ही रहे हैं आपको देखने देख रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दुकान जो है लगातार आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, देखिए हर जगह इधर दुकान लगातार लगा हुआ है, इसके लिए निश्चित तौर दुकान जो है देखने को मिलेगा ही आपको। कोशिश है कि मैं आपको पूरा जो है दिखाने की कोशिश किया हूँ, फिर मैं स्टॉपेज जो करूंगा वो हमारा जो धोरी होगा, धोरी से आगे मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, कुमारसार वगैरह कैसा नदी है वहां पे कैसा कैसा नजारा रहता है वो सारी चीज देखने को मिलेगा। मे भी हो सकता है कि ये वीडियो एक दिन में ही आपको मिल जाए या तो 2 दिन भी लगे, और पता नहीं अब कब तक ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, क्योंकि इधर नेटवर्क नहीं है, कहीं मुझे अगर अच्छे तरीके से नेटवर्क कहीं वाईफाई मिल जाए तो मैं सारा वीडियो एक ही दिन में अपलोड कर दूंगा, आप देखते रहिएगा जी, कि आपको काफी मजा आएगा। देखिए इधर दुकान वगैरह, पूड़ी वगैरह, सब्जी वगैरह, चावल वगैरह जो भी खाना है वो सारा आपको यहाँ पे मिलने वाला है हर जगह। यहाँ पे देख सकते हैं बमजी रुके हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इस होटल में, आप भी इस तरह करके बहुत सारे जो होटल है आपको मिलेगा ही। स्नान करने के लिए, सोच जाने के लिए हर जगह शौचालय बना हुआ है, जो बड़ा दुकान है वो अपना हर व्यवस्था रखा है शौचालय वगैरह स्नान करने के लिए सारा, और कुछ कुछ में नहीं है, ज्यादातर दुकान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप स्नान वगैरह करना चाहते हैं तो आपके लिए उसके बड़ा जो है दुकान आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आंटी चावल चावल बन गया, यहाँ पे एक दुकान दिख रहा है, आप रह सकते हैं, चावल वगैरह खा सकते हैं, बोले ना लगातार आपको अब दिक्कत नहीं है पथ में जो है, और 2-3 दिन के बाद और जो है दुकान खुल जाएगा, और ये जो दुकान खुला है ये बंद नहीं होगा, याद रखिएगा। और एक चीज है यहाँ पे जो कि प्रशासन नहीं दिया गया है पथ में, कम से कम 1-1 किलोमीटर कम से कम 2-4 रुपये प्रशासन देता तो अच्छा रहता है, किसी तरह का जो खाने पीने में रेट वगैरह में किसी तरह का अंतर आता है तो उस पर अगर उसको सूचित किया जाए तो वो देखने को नहीं मिल रहा है प्रशासन। जो नियरेस्ट जो है हमको लगता है सुल्तानगंज के पास आपको देखने को मिलेगा, और उसके इधर जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। और ये पूरा रास्ता कम से कम 1-1 किलोमीटर या 1/2 किलोमीटर के शायद लगा हुआ ये बैनर आपको देखने को जो मिल रहा है। आप सोच सकते हैं कि ये हमारा वीडियो जो है 23 मिनट का हो चुका है, 23-24 मिनट का। यहाँ भी देखते बहुत सारे बम चल रहे हैं, हर हर महादेव, ना चाहते हुए भी हर हर महादेव मुंह से निकल ही जाता है, क्या बताएं। बाबा इस पथ पे आएंगे 100% है कि आपको बिना बाबा का नाम लिए रह नहीं पाइएगा, ऐसा पथ ही है।
और यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ा सा होटल है। यहाँ पे आपका हम आपको दिखाएं जलेबी वगैरह बन रहा है और यहाँ पे बहुत सारा जो है कवरिया बम सब ठहरे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत खाना वगैरह सारा मिल जाएगा रहने के लिए। तो जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा दुकान है वहाँ पे देखिए शौचालय वगैरह सब कुछ है, इस दुकान में भी है जिसमें हम आपको दिखाएं। आगे चलते हैं, अब देखिए हम लोग कहाँ पे पहुँचे, शायद धोरी पहुँचने वाले हैं। चलिए, हर जगह जो है यहाँ पे एक शिविर है, मुझे लग रहा है कि दिख रहा है कि दुकान है या शिविर पता नहीं, यहाँ पे बाजा वगैरह पूरा बज रहा है तो जहाँ तक मुझे लगता है शिविर ही होना चाहिए। देखते हैं, शायद या तो दुकान होगा, दुकान हो सकता है या तो शिविर हो सकता है, दोनों में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पे निःशुल्क सेवा शिविर है, देखिए बोलबम सेवा शिविर थी यहाँ पे, देखिए बहुत अच्छा बोलबम सेवा शिविर थी, यहाँ पे आपको शिविर मिल जाएगा। यहाँ पे जो है साउंड थोड़ा सा आ रहा है, इसकी वजह से मेरा कॉपीराइट आ जाएगा, इसी वजह से हमको जल्दी यहाँ से तेज से निकलना पड़ेगा और हमें लगातार बोलना पड़ेगा ताकि उसकी साउंड रिकॉर्ड ना करें, मेरा ही साउंड रिकॉर्ड करें, नहीं तो मेरा कॉपीराइट इश्यूज आ गए। इतना बड़ा वीडियो बनाने के बाद थोड़ी सी के लिए मुझे कॉपीराइट भी आ सकता है, फिर भी चलिए कोशिश किया हूँ कि मेरा वो कॉपीराइट ना आए। चलिए आगे चलते हैं, ये देख सकते हैं बहुत सारा बम जो है हमारे यहाँ पे इधर चल रहे हैं। फिर इधर देखिए दुकान इधर बहुत सारा लगा हुआ है, ये हम लोग धोरी पहुंच चुके हैं और इधर काफी दुकान आपको देखने को मिलेगा, बड़ा बड़ा दुकान है यहाँ पे देखने को मिलेगा। इधर देख सकते हैं काफी बड़ा बड़ा दुकान आपको मिलेगा और सारा फैसिलिटी है, शौच वगैरह स्नान वगैरह सारा देख सकते हैं, वहाँ पे शौचालय स्नान वगैरह सारा व्यवस्था है। तो अब यहाँ पे एक धर्मशाला भी आपको देखने मिलेगा जिसको हम लोग धोरी धर्मशाला कहते हैं, और बहुत सारे कवरिया जो घूम के आते हैं या तो कोई सीधा ही मार सकते हैं, इधर से सीधा आप जा सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे धर्मशाला है, बहुत अच्छा कवरिया पथ बनाया गया है, वाह मजा आ गया। देख सकते हैं यहाँ पे और कुछ कुछ दुकान बनाने के लिए देख सकते हैं बांस वगैरह ले जा रहे हैं, तो पहले सोचते थे सब नहीं बनाएंगे लेकिन बाद में लगा कि कवरिया आ रहे हैं तो बनाना चाहिए, तो सब कोई बनाना शुरू कर दिए। आगे देखते हैं, ये शायद धोरी धर्मशाला नहीं है, यहाँ पे यहाँ का बेलदौर खगड़िया सेवा शिविर, यहाँ पे एक आपको और सेवा शिविर मिलेगा बेलदौर खगड़िया सेवा शिविर, और यहाँ पे ठंडा जल, गर्म पानी, जड़ी बूटी, चाय, दवाई, मालिश, मोबाइल चार्ज, और शौचालय एवं विश्रामालय सारा व्यवस्था है जो शायद आपको आगे मिलेगा। अब यहाँ से जो हमारा जो है भीड़ देखने को मिलने लगा, काफी ज्यादा भीड़ आपको देखने को यहाँ से मिलेगा। चलिए हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं, बहुत बेहतर, और दुकान वगैरह तो हर जगह मिल रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है आपको, इस कवरिया पथ में कहीं दिक्कत नहीं होगा। जब बाबा की नगरी में आएंगे तो बाबा आपको पहले ही सारे सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे, उसके लिए निश्चित रहिए। ठीक है, देख सकते हैं बहुत सारा जो है इधर सुविधाएं अवेलेबल है, हर जगह जो है आपको सेवा के लिए, देख सकते हैं बोलबम बोलबम हर हर महादेव, देख सकते हैं यहाँ पे अब जो है और भी ज्यादा हमको भीड़ देखने को मिला। यहाँ पे जो हम आपको बताए थे एक सेवा शिविर जो है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किधर मिलेगा, ये देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं ये वाला जो है यहाँ पे हमारा सेवा शिविर है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पानी वगैरह सब कुछ पिला रहे हैं भैया जी, आपको पानी मिल जाएगा, सत्तू वगैरह देना है, सत्तू भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं और ठंडा पानी भी, मालिश वगैरह भी यहाँ पे देख सकते हैं, चाय वगैरह सब कुछ दे रहे हैं बाबू जी यहाँ पे देख सकते हैं शिविर में बोलबम। चलिए आगे चलते हैं, लेमन चाय मतलब कि नींबू वाला चाय आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ से सुल्तानगंज 35 किलोमीटर बता रहा है लेकिन 35 किलोमीटर होगा नहीं, हाँ 35 किलोमीटर आराम से हो जाएगा, सही बोले क्योंकि मैं इस चीज को मापा हूँ, यहाँ से 35 किलोमीटर अभी सुल्तानगंज है, तारापुर 15 किलोमीटर है, अगर मैं तारापुर पहुंचा तो शायद देखते हैं कितना समय लगेगा तारापुर पहुंचने में हमें, अभी टाइमिंग क्या हो रहा है देख सकते हैं, अभी बम जी जो है लगातार जो है बमजी आपको मिल रहे हैं हर जगह, वाह मेरा सबका जो है कुमरसार नदी देखना है कि कुमरसार नदी है कैसा है वो देखना है सबको, मुझे पता है कुमरसार नदी सबको अच्छा भाता है
और गुड़ियारी नदी, ये सब देखना बहुत पसंद करते हैं, मुझे पता है। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो भी जगह दिखाऊं कि कैसा है कुमारसार नदी। और उधर अभी तो यहाँ पे धोरी पहुंचने वाले हैं और हम आपको दिखाएंगे धोरी कहाँ पे कैसा है माहौल। चलिए चल रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत बेहतर सुविधाएं जो है आपको मिलने वाला है, बहुत ही आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है हमें चलने में भी, क्योंकि कवरिया जहाँ मिलेंगे वहाँ तो आपको आनंद आएगा ही, और क्योंकि भोले बाबा के भक्त जहाँ पे रहेंगे वहाँ आपको मज़ा आएगा ही। इधर चलते हैं, अभी लाइटिंग वगैरह जो है ना, इधर मरकरी वगैरह ट्यूबलाइट यहाँ पे दिख रहा है, और उधर तो लाइटिंग उतना नहीं दिख रहा था, इधर जो लाइटिंग वगैरह आपको दिख रहा है कि रात्रि को आप कुछ दूर तक चल सकते हैं, लेकिन उधर जो है आराम से, आप बहुत जगह जो लाइटिंग नहीं दिया हुआ है तो उसकी एक जो कमी दिखी हमें झारखंड, बिहार में लाइटिंग और दूसरी प्रशासन का। और झारखंड में आपको पूरे कवरिया पथ में आपको प्रशासन मिलेगा, दुमा बॉर्डर से शुरू होगी और पूरा आपको देवघर में हर जगह जो है प्रशासन आपको मिलेगा 10 किलोमीटर तक, तो बहुत बेहतर तरीके से जो है प्रशासन ध्यान रखे हैं, और इधर उतना ध्यान नहीं दिया गया है प्रशासन का, फिर भी यहाँ पे जो है किसी तरह का दिक्कत नहीं हो रहा कवरिया भाई को। तो चलिए इसलिए मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ कि कितना मजा आ रहा है, और बेसिकली मैं किसी कवरिया हमसे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, रीजन ये है कि मैं खुद जा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि कैसा पथ है, तो इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, और आपको दिख भी रहा है कि कितना कवरिया चल रहे हैं और कैसी स्थिति है पथ की, वो सारा आपको दिख रहा है, तो इसलिए मैं ना ही पूछ रहा हूँ तो बेहतर है, क्योंकि मुझे खुद पता है कि कितना कवरिया चल रहे हैं, कैसा है कवरिया पथ, तो मुझे पता ही चल रहा है, तो मैं आपको बता ही जा रहा हूँ, ठीक है। और अभी स्टॉपेज जहाँ पे रहेंगे तो वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा पूछने के लिए। आगे चलते हैं, देखते हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है इस पथ में चलने में, और जब तक अब तक वीडियो नहीं पहुँचा है तो मैं क्या क्या ही बताऊँ कि आपको कैसे समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं हम आपको, इधर देखिए बम जी एकदम पूरा रास्ता में मिल रहा है, आप सोच रहे हैं ना, लगभग सोच सकते हैं कि 1 लाख से प्लस बम हमें मिल गए होंगे, कम बम नहीं है, बहुत सारा बम, और सारे न्यू बम मिल रहे हैं, ऐसे नहीं कि हमारे पुराने बम, जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ, जो आगे में चल रहा हूँ, हर आगे में हमें न्यू ही बम मिल रहे हैं, तो सोच सकते हैं कि कितना जलार्पण करने वाले हैं, बम की जो संख्या है बढ़ती ही जा रही है, किसी तरह घटने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार आपको जो है बढ़ती ही जा रही है, एकदम देखने में जो काफी आपको मजा आ जाएगा। अगर नेटवर्क अच्छा रहता तो और मजा आता आप लोग से कम्युनिकेशन करने में, क्योंकि ये लाइव दिखते तो और भी मजा आता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसा महसूस दिला रहा हूँ कि आप जो है कवरिया पथ पे चल रहे हैं, जिसको जिसको महसूस हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते जाएं, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको काफ़ी मजा आए और मुझे भी एक बोल सकते हैं हमें खुशी मिलेगा कि आप लोग वीडियो पसंद करते होंगे, और लाइक जितने ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेट मिलेगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो कवर करके दूंगा, और भाई को सपोर्ट जरूर करें, जो स्क्रीन पे फोन पे नंबर आ रहा है तो जरूर सपोर्ट करें, और जिस तरह का मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ शायद ही किसी चैनल पे आपको मिलेगा, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको क्लाइमेक्स दिखाऊँ, मैं आपको जो रियलिटी हकीकत है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पूरा जो है अच्छी तरीके से सारी चीज समझ में आ जाए और बेहतर आपको लगे, ठीक है। तो देख सकते हैं बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम लगातार जो है बोल बम। इधर देखिए रास्ता देखिए अभी ही खराब हो गया, इधर साइड में जो है बालू नहीं बिछाया ना, इस वजह से थोड़ी सी लापरवाही तो किए हैं जो हमारे बिहार के जो प्रशासन है, दोनों साइड में अच्छी तरीके से बालू वो जो है ना बिछा देना चाहिए, या फिर जो प्लास्टिक में भर के, तो उससे जो है ना पथ भी बना रहेगा और देखने भी अच्छा लगेगा, साइड साइड में पानी का बहाव के लिए हल्का जगह छोड़ देना चाहिए था, तो वो सारी चीज यहाँ पे हमें थोड़ी सी कमी जो है खल रही है, तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखिए अभी ही रास्ता इतना खराब हो गया है, गड्ढा गुड्ढी हो गया है, तो ऐसा जो है
नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि कैसा है, देख सकते हैं। इधर देखिए बहुत सारे जो है एकदम त्रिशूल लेके चल रहे हैं। यहाँ पे भंडारा भी होता है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा है कि यहाँ पे भंडारा वगैरह पूरा चलता है हर जगह पूरा। यहाँ पे देख सकते हैं कितना कवरिया बम, बहुत सारे बम यहाँ पे रुके हुए हैं। ये जगह जो ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारे कवरिया रुके हुए हैं, एकदम हॉटस्पॉट एरिया बोल सकते हैं। ऐसा है कि हर यहाँ पे आपको पूरा दुकान दिख रहा है, चारों तरफ जो है बम जी रुके हुए हैं। देखिए कुछ कुछ बम चल रहे हैं, शायद ये सब बोल बम है, डाक बम अभी एक भी नहीं है। डाक बम जो भी बम है वो पैदल चलते हैं, बोल बम। देख सकते हैं यहाँ पे बम जी कुछ कुछ चल रहे हैं, पूरा बेहतर। और यहाँ पे बाबा विशु राउंड निःशुल्क बोल बम, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक शिविर मिल जाएगा जो कि निःशुल्क आपको मिलेगा। अभी शुरू भी हो गया है, चाय पानी ये सब मिलेगा। देख सकते हैं इधर दुकान जो है, इधर में काफी बम जी बैठे हुए हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं। और यहाँ पे चाय पानी तो काफी निःशुल्क सुविधा मिलेगा। आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे। और इधर देखिए, इधर दुकान वगैरह पूरा जो है पूरा चालू है, खाना वगैरह पूरा आपको मिल रहा है हर जगह, ठीक है। और ये हमारा देख सकते हैं ये धोरी साइड कहलाता है, इधर से हम लोग प्रवेश करते हैं। इधर देख सकते हैं ये जगह, ये हमारा धोरी कहलाता है। इस जगह पूरा दुकान है, चारों तरफ आपको दुकान ही दुकान दिखने को लगेगा। देख सकते हैं हर जगह दुकान है, बहुत अच्छा जगह है ये। यहाँ पे मैं पिछले बार भी यहाँ तक हम वीडियो कुछ कवर किए थे सावन में, और इस बार भी हमें मौका मिला है कि मैं इस बार कवर कर रहा हूँ। देख सकते हैं इधर से सीधे जो है एक धर्मशाला है, धर्मशाला से होते हुए जा रहे हैं, लेकिन शायद मैं इधर से घूम के जाता हूँ, शायद इधर से परमिशन दे। यात्री धर्मशाला बांका है ये, अगर आप देखें तो ये हमारा यात्री धर्मशाला है, ठीक है। चलिए आगे से हम टर्न लेते हैं, क्योंकि इधर से बाइक के अलाव नहीं होगा तो फिर डांट पड़ जाएगी झूठ की। तो मैं आगे चले आपको दिखाता हूँ ये धर्मशाला, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग धोरी धर्मशाला आ गए हैं, इसके आगे से हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो आपको मिलता रहे। आगे आपको मिलेगा कुमारशार नदी जो कि नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करें और भाई को सपोर्ट करने स्क्रीन पे जो फोन पे नंबर है जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।